गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है। कमलनाथ ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला, नौजवानों को न तो रोजगार दिया और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन तक को नहीं निभाया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा विधानसभा के पिछोर पहुंचे। पिछोर में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डबरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लिखित में झूठ बोलती है, ऐसा झूठ जो पिछले चुनाव में किसान के कर्ज को लेकर बोला गया या आज के नौजवानों को रोजगार देने की बात कही हो, एक भी वादा कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछोर में नए विकास की शुरुआत हो उसके लिए आपको इमरती देवी को जिताना होगा। ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। आप ऐसी पार्टी के सदस्य हो, आप भारतीय जनता पार्टी के, जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी व्यक्ति कर रहा है, जो आज विश्व का नेता है, विश्व का नेता। आप उस पार्टी के सदस्य हो जिसके सर्वाधिक सांसद देश के अंदर है, आप उस पार्टी के सदस्य हो जिसके सर्वाधिक विधायक हिंदुस्तान के अंदर है, आप उस पार्टी के सदस्य हो जिसके सर्वाधिक मेयर, सर्वाधिक जिला पंचायत, सर्वाधिक जनपद पंचायत और सरपंच भारतीय जनता पार्टी के है। आप भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम काल के लोग हो, स्वर्णिम काल के अंदर विचरण कर रहे हो। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेरणी आप करके देख जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। पर आप चिंता मत करना, आपको रात दिन लग जाओ, कोई भी दिक्कत होगी तो ये नरोत्तम साथी आ जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता बंधु, आधी रात भी आपके लिए खुले रहेंगे, आधी रात कोई भी दिक्कत तकलीफ दूर आ जाए, आप हमारी कुंडली घर कटाना, हम बीच के आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये वचन देने के लिए आया हूँ। आप भी वचन देते हो युवती के लिए कि पूरे 20 दिनों में हाथ भाव हो रही है। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि अन्य दल के नेता मुझे दल बदलू कहते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे कभी मेरे काम के लिए आश्वासन नहीं दिया। मैंने अपनी विधानसभा के लिए कई काम करने के लिए उनके सामने मांग रखी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, खजाना खाली है। मेरी विधानसभा में कोई काम नहीं हुए, मैं तो जनता के हित में काम करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और भाजपा को विजयी बनाएं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।